हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वीट वर्मी सिली कप्स बनाएंगे। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं और दिखने में उतने ही अट्रैक्टिव। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक पैन में सबसे पहले 2 कप देसी घी लूँगी। मैंने पैन में देसी घी डाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कप सेवइयां, जो बिल्कुल बारीक वाली सेवइयां होती हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाएं। आप देख सकते हैं हमारी सेवइयों का कलर हल्का बदल चुका है। बस हम इसको थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। हमारी सेवइयाँ एकदम रेडी हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें गुड़, चीनी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें गैस ऑन में ही डलेंगे। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट रख रही हूँ, जिसमें हमारे टावल या कपड़े वगैरह आते हैं ना, वो वाली प्लास्टिक शीट। अब मैं इसमें हमारी बनाई हुई सेवइयाँ डाल दूंगी और इसको एक बाउल की शेप देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मैं सेवइयाँ डाल दूंगी, जैसे चिड़ियों का घोंसला होता है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन सेवइयों की वैसे ही शेप देनी है बाउल की तरह। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये दिखने में बहुत ही टेस्टी है और खाने में तो बहुत मज़ेदार है ही, और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में बनके रेडी हो जाता है। अगर आपके घर पे मेहमान आए हो तो आप इसको ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं ये बाउल की शेप में आ गए। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिए 1 कप हंग कर्ड, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी, पिसी हुई शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको हंग कर्ड की रेसिपी जाननी है तो वो भी बहुत ही आसान है। जो हमारा नॉर्मल दही होता है, ताज़ा दही, उसको लें, उसमें से सारे पानी को निकाल दें एक मलबल के कपड़े की सहायता से, और 15 से 20 मिनट के लिए चकले के नीचे रख दें, मतलब वेट के नीचे दही को रख दें। हमारी हंग कर्ड रेडी है। बस एक बात का ध्यान रखना, दही जो है वो ताजा होना चाहिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी बास्केट सेट है एकदम से। अब मैं इसको इस तरीके से बाहर निकाल लूंगी शीट से, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी, आप देख सकते हैं, और ये आसानी से निकल जाएगी। और मैं इसको प्लेट पे रख लूंगी। प्लेट पे रखने के बाद अब इसमें हम हमारे जो हंग कर्ड है उसकी फिलिंग करेंगे। मैं इसमें जो हमारा मिक्सचर था वो डाल रही हूँ। और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ अनार के दानों से और पिस्ता से। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इलायची अच्छी लगती है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।